हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स हॉट 30 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आप कभी भी कॉल करते हैं तो कॉल करने पर जो आपकी फ़ोन की डिस्प्ले है ये ऑफ हो जाती है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हम कभी भी किसी को कॉल करते हैं अपने फ़ोन से तो हमारे फ़ोन की डिस्प्ले होती है वो बार बार ऑफ हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो करना ये है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करना है। ठीक है, रिस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये वाला ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे आपको टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है हैंग करता है कॉल करने पर, डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है एंड्रॉइड सिस्टम की वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहां पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सिस्टम जो है यानी कि सॉफ्टवेयर जो है उसे आपको चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सिस्टम है ना वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो आपके फोन का जो सिस्टम है ना वो आपका अपडेटेड है या नहीं आपको कैसे चेक करना है, देखिए इसके लिए आपको पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर की साइड ये सर्च सेटिंग, सर्च सेटिंग पर टैप करना है। यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सिस्टम अपडेट। सिस्टम अपडेट लिखना है तो आपको नीचे की साइड ना ये सिस्टम अपडेट का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे टैप करना है। आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा। आपको नीचे की साइड ये ऑनलाइन अपडेट, ऑनलाइन अपडेट के इस ऑप्शन पे टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सिस्टम जो है वो अपडेट हो जाएगा और आपके फोन में जो कॉल करने पर जो डिस्प्ले ऑफ हो जाती है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहां पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का ये जो कॉलिंग का ऐप है इस कॉलिंग के ऐप को रीसेट करना है, यानी कि इसका डेटा क्लियर करना है। कैसे, देखिए इस कॉलिंग के ऐप को ना उंगली से दबा के रखेंगे, छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको ना ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलता है इस तरीके का, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा या फिर सर्कल के अंदर जो आई बटन बना हुआ है इसे टैप करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको ना ये ऑप्शन मिलता है स्टोरेज एंड कैच का, इसे आपको टैप करना है। इसके अगले पेज में दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का और दूसरा क्लियर कैच का। आपको है ना पहले क्लियर कैच पे टैप करना है। ठीक है, जो क्लियर कैच का ऑप्शन है तो आपका ये जो कैच के सामने वाला डेटा है ये वाला आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है तो आपका डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा। इसमें आपको डिलीट का बटन या ओके का बटन दिखेगा, इसे आपको टैप करना है तो आपका ये जो यूजर डेटा है ना इसके सामने वाला डेटा ये वाला भी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो इस तरीके से आपको ये कॉलिंग का एक बार जो है रीसेट कर देना है कॉलिंग ऐप को। ठीक है ना, यानी इसका डेटा क्लियर कर देना है, इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का एक बार रीसेट कर देना है। ठीक है, देखिए आपको अपने फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, रीसेट ऑप्शन पर टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर सबसे नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, फैक्ट्री रीसेट पर टैप करना आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी जो कॉल करने पर डिस्प्ले ऑफ हो जा रही है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले ना दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बताया ना सारे प्रोसेस आपको यूज करने हैं तो आपकी जो कॉल करने पर डिस्प्ले ऑफ हो जा रही है बार बार ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस अगर ये काम नहीं करते तो आपको आखिर में एक काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना जो आपके एरिया के आसपास होगा वहां पर आपको चले जाना, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं ना वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।